वेलकम स्टूडेंट, मोहता कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका इस्तकबाल है। आज हम हमारी उर्दू की निशाब में शामिल बीए पार्ट थर्ड के अगले मौजू पर चर्चा करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने जदीद नज़म पर चर्चा की थी। जदीद नज़म की ही और जो बाकी हैयत है, आज हम उन पर चर्चा करेंगे, जिनमें से हम वैसे तो चर्चा करने जा रहे हैं नज़्मे मुवर्रा पर या ब्लैंक वर्स, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है। इससे पहले हम जदीद नज़्म की जो मुख्तलिफ हैयत है उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, नज़्म की चार हैयत है, उसे चार हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला नसरी नज़्म, दूसरा पाबंद नज़्म, तीसरा आज़ाद नज़्म और चौथी जो है वो है नज़्मे मुवर्रा। देखिए, इसे नज़्मे मुवर्रा को कहा जाता है, अंग्रेजी अदब में इसे ब्लैंक वर्स कहा जाता है, इस वजह से इसे उर्दू में नज़्मे मुवर्रा नाम दिया। लेकिन इस नाम से पहले उर्दू के जो शायर थे वो इसे गैर नज्म, गैर मुख्फा के नाम से पुकारते थे। बाद में इसे नज़्मा नज़्मे मुवर्रा नाम दिया गया। देखिए, ये हमारे अदब में अंग्रेजी अदब की ही देन है। जैसे कि हमने जदीद नज़्म को जाना, उसी तरह से इसको भी पूरी तरह से पढ़ेंगे। अंग्रेजी जो अंग्रेज नज़्म निगार थे, उन्होंने नज़्म को और आसान कर दिया था, उसमें पाबंदी को हटा दिया था। लेकिन फिर भी अंग्रेजी अदब के अंदर एक बहर का इस्तेमाल जरूर होता था, जिसे आयम्बिक पेंटामीटर के नाम से जानते हैं। ये आयम्बिक पेंटामीटर बहर अंग्रेज अदीब, अंग्रेज शायर इस्तेमाल लेते थे जब वो नज़्म लिखते थे। लेकिन हमारे शायरों ने, उर्दू अदब के शायरों ने जब नज़्म को इतनी खुले तौर पर देखी तो उसे उर्दू अदब ने कबूल किया और उसकी तरफ हमारे उर्दू के शायर बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ पाबंदियाँ नहीं थी, गैर मुख्फा लिखे जाते थे, काफिये की पाबंदी नहीं की जाती थी। इस वजह से भी इस नज़्म में हमारे उर्दू के शायरों ने बहुत दिलचस्पी दिखाई। तो चलिए जानते हैं इसके आगाज और इर्तिका पर कि कैसे इसका आगाज हुआ, कहाँ से हुआ। वैसे उर्दू अदब में इसको सबसे पहले नज़्मे मुवर्रा में सबसे पहले मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ही तिबे आजमाई की। तो चलिए जानते हैं उनके कुछ नज़्मों के नाम और उनके कुछ नज़्मों की मिसाल हम पेश करेंगे। तो देखिए, नज़्मे मुवर्रा पर देखिए, अंग्रेजी अदब में ब्लैंक वर्स की हैयत के लिए बेकाफिया
आयंबिक पेंटामीटर बहर को बड़ा ही मखसूस तरीके से इस्तेमाल किया जाता था, मगर उर्दू में इसके लिए कोई मखसूस बहर नहीं, लिहाजा इसमें जो मखसूस अरूजी आज़ादी मिली उससे फायदा उठाकर उर्दू वालों ने इसको अपनाया, कबूल किया। हमारे यहाँ अंग्रेजी से वाकिफ सौदा ने कई मर्तबा उर्दू में नज़्मे मुर्रा कहने की कोशिश की। उर्दू में मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ही सबसे पहले इस हैयत का तजर्बा किया। उनकी मुर्रा नज़्में जोग्राफिया तिबे की पहेली और जुज्ब दूरी बिल तरतीब नज्म आज़ाद और हम कदा आज़ाद में शाये हुई। दलीलों व शवाहिद से ये साबित होता है कि उनके ये दोनों मुर्रा नज़में जून से पहले यानी 1885 ईस्वी में जून से पहले या ज़्यादा से ज़्यादा 1887 ईस्वी से किब्ल लिखी गई, लिहाजा ये बात कही जा सकती है कि उन्होंने ही सबसे पहले उर्दू शायरी में इस सिंफ यानी नज़्मे मुर्रा के तजर्बे किए। नमूना आपके सामने पेश किया जा रहा है। लिखते हैं, देखिए आपको पता लग जाएगा धीरे धीरे कि किस तरह की नज़्मे मुर्रा होती है। लिखते हैं, हंगामा हस्ती को गर को गौर से देखो तो, फिर देखिए अगला शेर, हर खस्क व तर आलम सनात के तलातुम में, यानी किसी काफिये का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, काफिये से बिल्कुल परहेज किया जा रहा है। आगे लिखते हैं, जो खाक का जर्रा है या पानी का कतरा है, हिकमत का मरका है जिस पर कलमे कुदरत अंदाज से है जारी और करता है गुलकारी। देखिए रदीफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं लेकिन काफिया नहीं इस्तेमाल किया जा रहा, इसी वजह से इसको नज़्मे गैर मक्फा के नाम से जाना जाता था। आखिरी दो बंद दो शेर लिखते हैं, एक रंग के आता है सो रंग दिखाता है। बस यहाँ पर इनका ये हमने एक बंद पूरा किया है, तो ये नमूने से आप समझ गए होंगे कि नज़्मे मुर्रा किस तरह की होती है। ब्लैंक वर्स यानी जिसमें खाली है, क्या काफिये से खाली है, वो नज़्म जो काफिये से खाली हो उसे ब्लैंक वर्स कहा गया। इनके बाद में मौलवी इस्माइल मेरठी ने दो मुर्रा नज़्म तारों भरी रात उनकी उर्दू जबान की चौथी किताब में शामिल है और चिड़िया के बच्चे लिखी। ये दोनों नज़में 1893 से 1894 ईस्वी के दरमियान लिखी गई, इसलिए ये साबित होता है कि इस्माइल मेरठी ने अब्दुल हलीम शरर और नज़्म तिबा तिबाई से पहले नज़्मे मुर्रा का तजर्बा किया। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि इस्माइल मेरठी ने नज़्मे मुर्रा का तजुर्बा नज़्म तिबा तिबाई और अब्दुल हलीम शरर से पहले किया। देखिए इनका भी एक नमूना, अरे छोटे छोटे तारों के चमक दमक रहे हो तुम्हें देख कर ना हो दे मुझे किस तरह तहीर के तुम ऊंचे आसमां पर जो है कल जहां से आला हुए रोशन उस रविश से के किसी ने जड़ दिए हैं गहर और लैल गोया। बस बिना काफिये के लिखा है, ये तारों भरी रात से लिया गया बंद है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद उर्दू में नज़्मे मुर्रा का संगे बुनियाद ज़रूर रखा, मगर वो इस पर कोई इमारत तामीर ना कर सके। उर्दू शायरी में हैयत के इस अवलिन इंकलाबी तजर्बे को
ना तो मकबूलियत हासिल हुई और ना अहमियत मिली कि उससे हकीकत की तरफ अमूमन नजर ही ना गई कि उन्होंने इस किस्म का कोई तजुर्बा किया भी है। नज़्म मुर्रा को एक रिवायत का दर्जा देने की कोशिश अब्दुल हलीम शरर ने शुरू की और उसके ज़रिए से उर्दू शायरी को ऐसा अहम मोड़ दिया जिससे आगे चलकर नई नई राहें निकलती चली गई। उन्होंने नज़्म मुर्रा को रिवाज देने और इस उर्दू शायरी की एक अहम रिवायत बनाने के लिए बाकायदा तहरीक चलाई। गो उनकी ये कोशिश उस वक्त ज़्यादा बार आवर ना हुई, लेकिन उन्होंने जो पौधा उस वक्त लगाया था बाद में उसकी शाखें बराबर फैलती रहीं। उन्होंने जून 1900 ईस्वी में दिलगिदाज में नज़्म की एक नई किस्म यानी नज़्म गैर मुख्फा की सूरत में एक ड्रामा फतेह अंदलस के लिखने की इब्तदा की। इस ड्रामे के कुल 6 सीन दिलगिराज के मुख्तलिफ सुमारों में पेश किए गए। इनका एक नमूना एक कलाम आपके सामने पेश है। लिखते हैं, मालवा मशहूर एक शूबा है वस्त हिंद में, वहां कई एक नामवर राजा हुए हैं हुक्मरां। विक्रमा जीत उनमें जो सबसे सिवा मशहूर है, बस उसी की नस्ल से गुजरा है संधेली ताजदार। ये दिलगराज अप्रैल 1901 ईस्वी सफा 8 से 14 के दरमियान। सरर की गैर मक्फा के तजर्बे और तहरीक से मुतासिर होकर जिसकी इब्तदा जून 1900 में हुई थी, सिर्फ एक मुर्रा नज़म तिबा तिबाई ने ब्लैंक वर्स यानी नसर मर्ज़ वजन रुबाई लिखी, जो सरर के तारुफी नोट के साथ शाये हुई। लिखते हैं, हे नसर की 3 किस्में मशहूर, इनमें एक नसर मरजू भी यानी वो कलाम जिसमें के हो वजने शेर और काफिया की, कैद उसमें ना हो रहे मुआफी आजाद, यानी उसमें कैद नहीं हो रहे, माफी चाहते आजाद है। सरर के ड्रामे की अचानक खत्म हो जाने के साथ साथ दिलगराज ने नज़्म मुर्रा की अशाअत का सिलसिला भी बंद हो गया और 10 साल बाद भी सरर ही ने अपने 2 सीनों पर मुश्तमल ड्रामे मजलूम वर्जीनिया के जरिए इसकी तजदीद की। इसी महीने में जब सरर के ड्रामे की आखिरी किस्त दिलगिराज में शाये हुई यानी मई 1901 ईस्वी में, तो मीर नज़ीर हुसैन की मुर्रा नज़्म चांद मखजन में शाये हुई। इसके अगले 2 वर्षों में 2 मुर्रा नज़्में मखजन में शाये हुई, उनमें से एक मुख्तसर मंजूम तर्जुमा एंद या एंदाए हैवानात जुलाई 1902 ईस्वी के मखजन में शाये हुई और उसके शायर भी मीर नज़ीर हुसैन अहमद अम्बालवी हैं। दूसरी नज़म में मुख्तसर ड्रामे की शक्ल में है जिसका उन्वान शहीद नाज और जो
मुदीर मखजन के तारुफी नोट के साथ नवंबर 1903 ईस्वी के शुमारे में शाये हुई। इसके खालिक सैयद आलमदार हुसैन वास्ती हैं। नज़्मे मुर्रा के इब्तदाई दौर में उसके कुछ और नमूने भी नज़र आते हैं, जिनमें से एक आध नज़्म तो वाजी तौर पर सरर की तहरीक से पेशतर आज़ादाना तौर पर लिखी गई थी। इन नज़्मों की तख्लीक करने वालों में गैर मारूफ लोगों के अलावा ब्रज मोहन दत्तात्रेय कैफी और अकबर इलाहाबादी जैसे मशहूर मारूफ शौरा भी शामिल हैं। चलिए ब्रज मोहन दत्तात्रेय कैफी की बारे में, नज़म निगारी के बारे में जानते हैं। उन्होंने किस तरह की नज़म लिखी है। नज़्मे मुर्रा में उन्होंने भी अपनी तिब आजमाई की है। इनके दीवान में तीन मुर्रा नज़्में दस्तियाब हैं। ये सब मुख्तसर नज़्में मुतरज्जुम या माकूज हैं। इनकी अहम मुर्रा नज़्म शेर की शान जो आठ बंदों पर मुश्तमल है, इनके दीवान वारदात के शफा 299 से शफा 303 के तकरीबन वस्त तक फैली हुई है। पहला बंद आपके सामने पेश करता हूं। ए शेर तेरी किस से शना हो, मिदहत सराई हो किस से तेरी, आलम ये सारा तुझ पर फिदा है, जो दिल है शेदा तेरे असर का, होता नगर यूं तो जलवा फरमा, तू नाद व याद मादूम होती, कैफे गुना से कब जागी रूह, नज्म सुखन का कब रंग जमता, जो गुन है तेरे क्यों कर गुना गिनाऊं, इल्म व अदब का है तू ही जियो। ये लिखा है वारदात में सफा 299 से 303 के दरमियान तक। कैफी के अलावा अकबर इलाहाबादी की कुल्लियात में दो मुर्रा नज़में नजर आती हैं। यानी पहला हमने जाना कौन थे, मोहम्मद हुसैन आधा, यहां से इसकी शुरुआत होती है। दूसरे इस्माइल मेरठी, तीसरे हमने जाना अब्दुल हलीम शरद, चौथे नजम तिबा तिबाई, पांचवी ब्रज मोहन दत्ता तरिया केफी। और अब हम जिक्र करेंगे अकबर इलाहाबादी। देखिए अकबर ने भी अपने कुलियात में कुछ नज़्मे मुर्रा के नमूने छोड़े हैं, जिसको हम आगे जानेंगे। उनकी नज़्मे मुर्रा कैसी है, चलिए पढ़ते हैं।
देखिए इनकी कुलियात में दो मुहर्रा नज़में नजर आती हैं। गुमान है कि ये दोनों नज़में 1909 ईस्वी से 1912 ईस्वी तक की मुद्दत में लिखी गई होंगी। नमूना कलाम इस तरह से है, अज शाम के फनून का करते हैं खुद अमल, अजराम के अलूम का देते हैं हमको दर्स, होता हूँ मुअत्तरिज तो वो कहते हैं वाह वाह, मैंने कर दिया तेरा रुतबा बुलंद तर, अज सहन खाना ता बल्ब बाम आजाने मन, वज बामे खाना ताबा सरिया आजान तू, खुद फने हर्ब सीख रहे हैं परेड पर, मेरे लिए चमन में शिटल काक का है खेल, इजहारे ना खुशी पे वो फरमाते हैं कि देख तेरी ही मशगला है बहुत साफ व बेजरर, आ अस्तर ज़ईफ व लिक्द जन आजान में वा गरिया मुशाहिब बाबा आजान तू। कुलियाते अकबर इलाहाबादी हिस्सा दूसरा 1912 जमीमा मुत्तफरुकात सफा 92-93। मजमूई तौर पर इस दौर की नज़्मे मुवर्रा की अहमियत तारीख है, यानी तारीख ही कहलाती है और अदबी नहीं है। इन नज़्मों में ना तो कोई फनी रचाव नजर आता है ना शायराना खूबी, ये नज़्मे कोशिश और आवर्द का नतीजा है। 1910 ईस्वी के बाद जबकि सरर ने नज़्मे मुवर्रा पर आखिरी बार कलम उठाया, अगले 10-12 वर्षों में कुछ नज़्में रिसालों में शाये हुई जिनमें सैयद महमूद आजमी आजम फहमी तिरमजी की अल्लाह बस बाकी हवस, रिसाला जमाना फरूरी 1922 ईस्वी सफा 122, शामे चमन मखमूर अकबर आबादी निगार फरूरी 1922 सफा 33 में शाये हुई। इसके साथ इस मुद्दत में नज़्मे मुवर्रा का के मौजू पर मबसूत और मुफस्सिल इजहार ख्याल का सिलसिला कभी कहीं नजर नहीं आया। अलबत्ता मौलाना ताजवर ने शेरो अदब की इसलाह व तोशी के लिए मुसलसल कोशिश की। नज़्मे मुवर्रा की तहरीक उन्हीं इसलाही कोशिशों के सिलसिले के एक कड़ी थी। इस तहरीक की अमली मिसालें भी खुद मौलाना ताजवर ने पेश करके दूसरों के लिए रहनुमाई और तरगीब का सामान फराहम किया। जनवरी 1923 ईस्वी के हिमायूं में उन्होंने अपनी बेकाफिया नज़्म मशरिक का पयाम अखूत मगरिब के नाम शाये कराई। तो इसमें लिखते हैं वो, एक नमूना आपके सामने लिख रहा हूं, तू है मगरिब कसवर आराए जहां जहां ने इर्तका, और मैं उस गुलिस्तां में सब जाए यगाना हूं, मेरे बाशिंदे हैं लुत्फे जिंदगी से बेखबर, तुझ में रहने वाली कौमे जिंदा अकवाम है, अहले मशरिक पायमाल गर्दिशे लेल व निहार, अहले मगरिब कामराने मत दुआए जिंदगी, यानी वो मकसद जिंदगी को मकसद समझते हैं और वो लेल व निहार में पड़े हैं मशरिक वाले, मगरिबी गहवार आए
राहत में पलते हैं मदाम, मशरिकी और बदनशीब एक शख्स के दो नाम हैं। मगरिबी मशरिक में आ निकलते तो मेहमाने अजीज, मशरिकी मगरिब में जा पहुंचे तो नेटू और गुलाम। यानी कहने का मकसद ये है, अगर मशरिक के इंसान मगरिब की तरफ जाए तो वो क्या कहलाएंगे, काम करने वाले गुलाम कहलाएंगे, और अगर मगरिब वाले मशरिक की तरफ आते हैं तो वो मेहमान कहलाते हैं, पर्यटक कहलाते हैं, घूमने के लिए आते हैं। तो इस तरह से इन्होंने मगरिब और मशरिक का फर्क बताया है कि मगरिबी लोग किस तरह से जिंदगी जीते हैं और मशरिकी लोगों की जिंदगी क्या है, उस पर इन्होंने अपनी इस नज़्म में चर्चा किया है। साथ में उन्होंने ये भी बताया है, अपने फन का भी मुजाहिरा पेश किया। अगले इसके बाद में अगले बरस जनवरी तक ताजवर नजीब आबादी ने दूसरे शोरा से इस किस्म की 6 नज़में लिखवा कर हमायूं में शाये करवाई, जिनकी तफसील हसबे जेल है। पहली पयाम सुबह अज नजीर जालंधरी, हमायूं मार्च 1923 ईस्वी। दूसरी कोहे इवर्स्ट से खिताब अदवस्ता प्रसाद फिदा, हमायूं अप्रैल 1923 ईस्वी। तीसरी सारनाथ अज सैयद हुसैन, हमायूं सितंबर 1923 ईस्वी। चौथी आबशाराज अबू मोहम्मद शाकिब कानपुरी, हमायूं अक्टूबर 1923 ईस्वी। 1927 ईस्वी में जबकि ताजवर नजीब आबादी हमायूं की इदारत से मुताल्लुक नहीं रहे थे, उस रिसाले में 2 मुअर्रा नजमें शाये हुई, एक इश्तियाक हुसैन कुरैशी की दरसे फितरत जो जून 1927 ईस्वी में, और दूसरी मंसूर की मोहब्बत का दिन जो सितंबर 1927 ईस्वी में शाये हुई। अव्वल जिक्र नज्म जिसमें नज़मे मुअर्रा में हैयत का एक नया तजर्बा किया गया है, एक खास अहमियत की हामिल है, नमूना कलाम। देखिए इसमें इन्होंने लिखा है, दरिया किनारे शाम को एक दिन हुआ मेरा गुजर। फिर लिखते हैं, देखा वहां आबरवा और सब्जाए गलतीदा जो फैला हुआ था हर तरफ, ख्वाहिश हुई दिल में कि बस ठहरूं यहीं, करता रहूं नजाराए सहराए रश्क बोसता। बस इतनी इस तरह से नज़म लिखी है, जिसमें कोई जो शेर है छोटा है, जिसकी बहरे ही पूरी नहीं है, कोई बड़ा है इस तरह से, कोई छोटा कोई बड़ा कोई छोटा, इस तरह की बहरे दे रखी है, समान बहर भी नहीं है, किसी बहर का इस्तेमाल नहीं है, और साथ ही किसी मकफा इबारत को इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब देखिए, हमायूं सितंबर 1927 ईस्वी में शाये होने वाली मुअर्रा नज़्म मोहब्बत का दिन टॉमस मेवर की एक नज़्म का तर्जमा है। छोटी बहर में नज़्म की जाने वाली ही ये मुख्तसर नज़्म अपने अंदर तरन्नुम रवानी तहरुम और ताशीर की एक खास कैफियत रखती है। लिखते हैं, रफाते गर्दों से सुबह एक सुनहरी किरण आई, लरजती हुई कांपती डरती हुई और बिखरती हुई लर्जिशे सेमाब पर, नहर की हर मौज के सीना बेताब पर, कोई नगा डाल दे चेहराए महबूब पर। हमायूं सितंबर 1927 सफा 246 से 247।
इन संजीदा काविशों के साथ साथ उस जमाने में नज़्म मुवर्रा में मिजाह निगारी की भी मिसाल नजर आती है। माहनामा शाकी दहली के जरीफ नंबर अप्रैल 1931 ईस्वी में मिर्जा अजीम बेग चुगताई का मजमून पेशे की शहादत शाये हुआ, जो दरअसल मुवर्रा नज़्म का उन्वान है। ये मिजाहिया मुवर्रा नज़्म मुख्तलिफ तादाद मिश्रों के साथ बंदों पर मुश्तमल है। ये नज़्म नज़्म मुवर्रा की हैयत में एक दिलचस्प तजुर्बे की हैसियत रखती है। जंगल की डाक बंगलिया में हम थक कर रात को लेटे थे, परवैया धर धर चलती थी, पेड़ों पर झिंगर गाते थे, एक सनाटे के आलम में खुशबू से रात महकती थी, काले बादल से चम 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 जब तारे आंख मिचोली में आंखें चमकाकर हंसते थे। इसी जमाने में अब्दुल रहमान बिजनोरी और अजमतुल्ला खां की नज़्म मुवर्रा के तजुर्बे भी मंजरे आम पर आए। अब्दुल रहमान बिजनोरी ने किसी जमाने में टैगोर की गीतांजलि के कुछ मुकामात का तर्जुमा नज़्म मुवर्रा में किया था। अपने मजमून रविंद्र नाथ टैगोर की सहराए आफाक तसनीफ गीतांजलि में, जो उनकी मौत के बाद रिसाला उर्दू अप्रैल 1925 ईस्वी में शाये हुआ नमूना कलाम। मौत दस्तक देगी जिस दम तेरे दरवाजे पे आ, क्या तवाजी अपने मेहमा की बजा लाएगा तू, मरहबा सुल्तान मन हाजिर है मीनाए हयात, नोशे ऐश और ऐशे गम दोनों का ये आमेजा है, उम्र का मेरी है हासिल बस यही लबरेज जाम, नोशे जाम हाजिर जो है बरकरम फरमाइए। नज़्म देखिए इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। नज़्म मुवर्रा में अजमतुल्ला खां क्या तजुर्बा बा एक तजुर्बा एक गीत का तर्जुमा बेरदीफ व काफिया के उन्वान से सुरीले बोल में शामिल है। ये तर्जुमा ब्रोफिंग की पी पा पास वाली नज़्म के एक गीत का है। 20वीं सदी में गालिबन हर बड़े शायर ने नज़्म मुवर्रा में शायरी की। तरक्की पसंद तहरीक से भी ऐसे उसे बढ़ावा मिला। अरबाब अहले ज़ौक के शौरा ने नज़्म मुवर्रा को इस्तेहकाम बख्शा। इनमें काबिले जिक्र नाम है नून मीम राशिद, मिराजी, फैज अहमद फैज, अख्तरुल ईमान, मखमूर जालंधरी, यूसुफ जफर वगैरह। एक नमूना लिख रहा हूँ। फिर कोई आया दिलजार नहीं कोई नहीं, राहरो होगा कहीं ओज चला जाएगा, ढल चुकी रात बिखरने लगा तारों का गुबार, लड़खड़ाने लगे ईवानों में खाबीदा चिराग, सो गई रास्ता तक तक के हर एक राह गुजर। ये फैज अहमद फैज का है। एक और, मेरे दिल की बातें जो हो जाएं अफसा, तू हो जा तो हो जाऊं रुस्वा, मैं क्या सोचता हूं अगर जान लो तुम अभी मुंह छुपा लो, मैं क्या चाहता हूं तुम्हें जो बता दूं अभी कसमशाओ,
ये कुर्सी से उठकर अभी भाग जाओ, दिल की बातें मखमूर जालंधरी। इन मिसालों से जिन ख्यालात व महसूसात की तर्जमानी होती है वो उस जमाने की शायरी के आम रंग की अकाशी करते हैं। नज़्मे मुअर्रा को सिमत व रफ्तार और रंग व आहिंग देने में अरबाब अहले ज़ौक का बड़ा हाथ रहा है। इसी के ज़ेरे शाये परवान चढ़कर इसने अपने लिए मकाम व इस्तेहकाम पैदा किया। ये थी नज़्मे मुअर्रा। शुक्रिया। कल हम हमारे अगले मौजू को पढ़ेंगे।